हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे में पढ़ा क्लास 10 श्वसन विषय लाइफ साइंस रेस्पिरेशन चैप्टर बा श्वसन विषय ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा पेटा इम्पोर्टेंट कथा क्लास 10 पाई कि जस्ट अल्प टिके अच्छी कि आउ प्लस टू अधिक अच्छी जो सीनियर क्लास करेंगे से अधिक आलोचना करवा तुम क्लास जहाँ अच्छे से अनुसार आम आलोचना करवा किसी अधिक आलोचना भी करवा पे देख कौन कह कोषर कोष जीवक पे मन रख कोषर कोष जीवक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपादित होता है बुझिपार पे कोष जीव कहले कौन जदि यहाँ कोष होमें कौन न्यूक्लियस हो तो जो अर्धतरल जेली टाइप पदार्थ था आम कहते पे कौन कहते ना कोष जीव कथा कहते से कोष जीवक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया संपादित होता है प्रथम कथा यही प्रक्रिया मन रख ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया दुईटा पर्याय देखि पार्थ ये गोटे पर्याय ये अच्छे पुणी आउ गए पर्याय ये अच्छे देखि पार्छ पे दुईटा पर्याय संपादित हो प्रथम पर्याय पे कौन हो छः कार्बनयुक्त ग्लुकोज मन रख आम जाने ग्लुकोजर छटा कार्बन थाए अर्थात ग्लुकोज संकेत लिखिपर C6H12 ओ सिक्स लिखिपर है कि छः कार्बनयुक्त ग्लुकोज कौन हो एटीपी ग्रहण कर देखी पार्छ एटीपी ग्रहण कर एटीपी नहीं कि एटीपी ना एडीपी से जाएगी एटीपी ग्रहण कर एडीपी सृष्टि एटीपी ग्रहण कर उद्दीपित होगा द्वारा तीन कार्बनयुक्त सरल सर्करा परिणत होता है मन को तीन कार्बनयुक्त ये लिखाई फुक्ट्रोज 1,6 मन को फुक्ट्रोज 1,6 बीस फसफेट यार कार्बन है तीन तीन कार्बनयुक्त फुक्ट्रोज 1,6 बीस फसफेट परिणत होता है प्रथम सोपान है कि द्वितीय सोपान कौन होनी कार्बनयुक्त सरल सर्करा अणु जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मनक पाइरुविक अम्ल नामित मनक आदर पाइरुविक पाइरुवेट अम्ल में परिणत होता है पाइरुवेट भी तीन कार्बनयुक्त अम्ल में परिणत होता है यही सोपान एटीपी मनक पे एटीपी सृष्टि होता है सहित मनक विजारित सहकारक देखी पार्छ NADH विजारित सहकारक है अर्थात ये एच ग्रहण कर NAD+ थी एच ग्रहण कर विजारित सहकारक मनक निकोटिनामाइड निकोटिमाइड आडेनाइन डाइनिक्लोटाइड NADH परिणत होता है बुझिपार ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कौन हो प्रथम ग्लाइकोलाइसिस कौन हो ग्लुकोज अणु भांगुच्छे है कि ग्लुकोज अणु एटीपी ग्रहण कर मनक एटीपी ग्रहण कर भांगी कौन हो एटीपी एडीपी परिणत हो बुझिपार बोले तीन कार्बनयुक्त सरल सर्करा अणु परिणत होगा जो तार ना है फुक्ट्रोज 1,6 बीस फसफेट पुनर्बार ये कौन करना यही स्टेपटा हूँ कौन लाइक गोटे कलर दे दूँ यही स्टेप रू मन रख यही स्टेप रू कौन होने ना यहीटा कौन हो पुणी एटीपी देख एटीपी ग्रहण करी एटीपी ग्रहण कर एडीपी सृष्टि हो देख पार्च सरी एडीपी ग्रहण कर एटीपी सृष्टि ता सहित कौन NADH कौन बा NAD+ ग्रहण करी NADH सृष्टि करा कि सहित आमर पायरुबेट अम्ल पायरुबेट अम्ल पायरुबेट सृष्टि कर बुझिपार दुटा सोपान ये मन रखता है कि यहाँ तीन कार्बन जो छः कार्बनयुक्त ग्लुकोज यहाँ छः कार्बनयुक्त ग्लुकोज ये स्टेपटा कहला देख दुईट तीन कार्बनयुक्त कहुच यहाँ देख दुईटा यहाँ दुईटा तीन कार्बनयुक्त सृष्टि होती दुईट तीन कार्बनयुक्त पायरुबिक अम्ल भी सृष्टि होती बुझिपार पे ग्लाइकोलाइसिस बुझिपार।